गाइस, तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में टॉप 10 रेडर्स के बारे में बात किया था, तो इस वीडियो में फटाफट बना चुका हूँ टॉप 10 डिफेंडर्स के ऊपर होगा 22 मैचेस के बाद। तो बिल्कुल अच्छी तरह बात करिए, फिलहाल 22 मैचेस के बाद कौन लीड कर रहा है डिफेंस में, कौन से प्लेयर्स टॉप 10 के लिस्ट में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो को, तो नंबर 10 से शुरुआत करते हैं। तो नंबर 10 पे यहाँ पे है तामिल थलाईवास के साहिल सिंह। साहिल सिंह ने 3 मैचेस में 8 टैकल पॉइंट हासिल किया है और साहिल लेफ्ट कॉर्नर संभालते हैं यहाँ पे तामिल के लिए। और इस बार तामिल का पूरा फॉर्मेशन बदल चुका है, मोहित एक कवर है जो बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं, सागर राइट कॉर्नर भी अच्छा कर रहे हैं और तामिल यहाँ से पहले से अच्छा है। साहिल अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और उम्मीद है साहिल अच्छा करे तामिल के लिए अपकमिंग मैचेस में। अब नंबर 9 पे बात करें, नंबर 9 पे है यूपी योद्धा के आशु सिंह जो कि कवर है। 4 मैचेस में 9 टैकल पॉइंट्स आशु ने अभी तक हासिल किया है। आशु के पास एक्सपीरियंस है, 2-3 साल से यूपी के साथ ही जुड़े हैं और कोच बता रहे कि कोच क्यों इन पे इतना फेथ दिखाते हैं, आशु को रिटेन करते हैं, क्योंकि देखो नितेश सुमित इंपॉर्टेंट है पर जो कवर है आशु सिंह ये भी बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। जरूर नंबर 9 पे हो तो अभी कुछ भी हो सकता है, 22 मैचेस के बाद ही मैंने ये वीडियो बनाया। तो चलिए अभी नंबर 8 पे बात करते हैं। नंबर 8 पे है जयपुर पिंक पैंथर्स के सौल कुमार। सौल के नाम 3 मैचेस में 9 पॉइंट्स है, 9 टैकल पॉइंट्स है। सौल के भी 3 में 9 है, उनके 4 में 9 थे। सौल भी अच्छे प्लेयर है जयपुर के। देखो जब दोनों कॉर्नर्स अमित और संदीप नहीं चल रहे थे तो सौल को यूज किया गया था, ये एक राइट कॉर्नर है और सौल कुमार अब अमित हुड्डा की जगह हमें खेलते हुए दिखने वाले अपकमिंग मैचेस में। अब बात करते हैं यहाँ पे नंबर 7। नंबर 7 पे है पटना पायरेट्स के सजीन सिंह, ये एक कवर है। 3 मैचेस में 9 टैकल पॉइंट्स है सजीन के नाम पे। तो सजीन और सौल का अभी बराबरी का मुकाबला चल रहा है टैकल पॉइंट्स के हिसाब से और सौल अपकमिंग मैचेस में भी यहाँ पे सजीन के बारे में बात करें तो सजीन हमें पटना के लिए अच्छा करते हुए दिखने वाले अपकमिंग मैचेस में। तो ये थे नंबर 7 पे। अब बात करते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 में एक और डिफेंडर है तामिल के, जो कैप्टन ऑफ तामिल है सुरजीत सिंह नरवाल। 3 मैचेस में 10 टैकल पॉइंट है सुरजीत के और सुरजीत इस बार तामिल को अच्छा लीड कर रहे हैं। जरूर तामिल का एक भी जीत नहीं है, 2 टाई है, लेकिन जो भी हो आज तामिल का मैच है तो अच्छा चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं तामिल अच्छा करे इस सीजन। तो गाइस अब बढ़ते हैं आगे। तो सुरजीत हमारे नंबर 6 पे थे और नंबर 5 में एक और यूपी योद्धा का प्लेयर है, एक तो आशु सिंह थे और नंबर 6 पे है यूपी योद्धा के लेफ्ट कॉर्नर सुमित सांगवान जिन्होंने 4 मैचेस में 11 टैकल पॉइंट्स हासिल किए हैं। सुमित लास्ट ईयर बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस किया था, इस बार थोड़ा स्ट्रगल करते हुए लग रहे थे लेकिन लास्ट मैच में अच्छा किया और नितेश सुमित का जोड़ी हमें लास्ट मैच में देखने को मिला था और आशा करते हैं ये जोड़ी हमें इस बार भी देखने को मिले, अच्छा लगे। सुमित अच्छा कर रहे हैं यूपी के लिए, लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा अच्छा किया और अभी बहुत मैचेस बाकी है यूपी के, सारे टीम के बाकी है पर अभी तो बस 22 मैचेस की बात है, उसके बाद तो बहुत कुछ हो सकता है कबड्डी में। अब बढ़ते हैं नंबर 4 पे। था नंबर 4 पे है पटना पायरेट्स के मोहम्मद छिया ने 3 मैचेस खेले हैं, 12 टैकल पॉइंट्स है। तो यहाँ पे मैं मोहम्मद रजा चियाने से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ, लेफ्ट कॉर्नर। इस बार संदीप और मोहम्मद दोनों कॉर्नर्स का जोड़ी देखने को मिल रहा है पटना से। सुनील को मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि देखो मोहम्मद चियाने जो है ये बहुत ही कमाल कर रहे हैं और हो सकता है अगर ये आगे भी अच्छा करे तो हो सकता है पटना इनको एज अ ओवरसीज प्लेयर फॉरेन प्लेयर रिटेन कर ले और बहुत ही कमाल करे 22 मैचेस तक। तो अभी अब बढ़ती है टॉप 10 डिफेंडर्स। तो नंबर 3 पे है गिरीश मारुति एर्नेक, 4 मैचेस खेले हैं, 12 टैकल पॉइंट्स है। गिरीश एर्नेक जो कि पुनेरी पल्टन के लिए लास्ट 2 सीजन से खेल रहे थे और बिल्कुल फॉर्म में नहीं थे लास्ट सीजन तो, पर इस बार वो गुजरात में आके बहुत कुछ बदल चुका है गुजरात। यहाँ गिरीश का फॉर्म, गिरीश बहुत ही कमाल लेफ्ट कॉर्नर संभाल रहे हैं। क्योंकि देखो लास्ट ईयर पोजिशन में ये बहुत बदलाव हुआ, कभी कभार तो कवर में देखने को मिलते थे गिरीश एर्नेक, तो उनका जो पोजिशन है वो गुजरात जायंट्स ने स्पेसिफाई कर लिया है। अब बढ़ते हैं नंबर 2। नंबर 2 पे सीजन 6 के बाद वापसी करने वाले सुरेंद्र नाड़ा, 4 मैचेस में 14 टैकल पॉइंट्स है, हरियाणा के लिए खेलते हैं और वापसी कर रहे हैं। यू नो सीजन 5 में हरियाणा में थे, सीजन 6 में आई थिंक पटना में आए, सीजन 7 में फिर इंजरी के कारण नहीं खेल पाए और सुरेंद्र नाड़ा इज बैक और इनका एंकर होल्ड हमें देखने को मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया। और होप्स हो सुरेंद्र अच्छा करे, हरियाणा को आगे ले जाए इस बार भी, क्योंकि अभी हरियाणा पॉइंट्स टेबल में थोड़ा नीचे है। कोई बात नहीं, अभी तो 4 मैचेस ही हुए। अब बढ़ते हैं टॉप डिफेंडर, 22 मैचेस है। नंबर वन पे है जयदीप दाहिया, ये भी हरियाणा के है भाई, नंबर 1 पे है। 4 मैचेस में 15 टैकल पॉइंट्स है जयदीप का। जयदीप ने मुझे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस किया है हरियाणा से। देखो हर मैच हो रहा है ना, जयदीप का परफॉर्मेंस मैचेस पर मैचेस अच्छा हो रहा है। तो ये था टॉप 10 डिफेंडर्स 22 मैचेस तक। तो गाइस चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। गाइस टेलीग्राम ग्रुप को भी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लूँगा, अपडेट्स मिलेंगे सबसे पहले।